योगी राज में यूपी में एक और माफिया का अंत हो गया है। वजह चाहे कुछ और रही हो, वजह चाहे एनकाउंटर ना रहा हो, लेकिन एक और माफिया की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। जेल की बैरक में मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने पर जेल प्रशासन रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले आया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई थी। सूचना मिली कि मुख्तार को आईसीयू से सीसीयू में भर्ती करना पड़ा। यहां मुख्तार के इलाज में 9 डॉक्टरों की टीम लगाई गई, हालांकि मुख्तार की जान ना बच सकी। इससे पहले मंगलवार को उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों ने कब्ज की समस्या बताई थी और इलाज के बाद उसी दिन कारागार भेज दिया गया था। बुधवार को जेल में उसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, जिसमें सब कुछ सामान्य पाया गया। 60 वर्ष के हो चुके मुख्तार ने सुनवाई के दौरान अदालत में आरोप लगाया था कि जेल में उसकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है, उसे खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ रही है। मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी थी। 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज से आने के बाद मुख्तार ने खाना पीना न के बराबर कर दिया। बुधवार तक कुछ फल ही खाए थे। जेल सूत्रों के मुताबिक गुरुवार दोपहर से उसकी तबीयत दोबारा बिगड़ने लगी। सूचना मिलते ही जिला अस्पताल के 3 डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसकी सेहत की जांच की थी। गुरुवार को मुख्तार ने सिर्फ थोड़ी सी खिचड़ी ही खाई थी। रात करीब 8 बजे जैसे ही प्रशासन के अधिकारी एम्बुलेंस से मुख्तार को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। डॉक्टरों की टीम के साथ डीएम और एसपी भी मेडिकल कॉलेज के भीतर दाखिल हो गए। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, जिले में ही नहीं प्रदेश भर में मुख्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। वैसे ही फोर्स की तादाद भी बढ़ने लगी, यहां तक कि रात के 9:30 बजे तक अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिए गए थे। इसके बाद कोई मुख्तार के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। डीएम और एसपी पिछले कई घंटों तक मेडिकल कॉलेज के भीतर ही रहे, कोई डॉक्टर भी बाहर नहीं निकल रहा था। आखिरकार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने मुख्तार को मृत घोषित कर दिया। देखें।